हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है कि मेरा ब्लॉग आज मोटो ब्लॉगिंग होने वाला है। तो आज मैं मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ स्कूटी से। तो मैं आप लोगों को सेटअप दिखाऊंगा, मैं किस तरह मैं करूँगा, तो मैं आप लोगों को सेटअप दिखाऊँगा, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हैं स्कूटी। तो मैं आज स्कूटी से मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा स्कूटी से। और देखते, ये मेरा पहला बार फर्स्ट टाइम मेरा मोटो ब्लॉगिंग होने वाला है। और ये देख सकते हैं, मैंने पूरा सेटअप कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा सेटअप हो गया। और स्कूटी से आज मैं मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, तो देखना। और गाइस, जो को भी नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चले चलते हैं, और स्कूटी में भी तेल नहीं है, तेल भी डालना होगा। तो चले चलते हैं और आज का मेरा मोटो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज का मेरा मोटो ब्लॉगिंग। तो गाइस, अभी शुरू हो गया मेरा मोटो ब्लॉगिंग। तो गाइस बताना मेरा वॉइस आप लोगों को सुनने में कैसा लग रहा है, ठीक है, और एंगल कैसे है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग बता देना। और चलिए चलते हैं आज का मेरा मोटो ब्लॉगिंग, देखते हैं किस तरह होता है। तो गाइस, थी टू रोड है, आप बता दे सकते हैं। और यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको दुकान पर रखने को मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ से जाना है चलने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं टावर वगैरह है। और चलिए, हेलमेट में ड्राइवर नीचे जा रहा है। मेरा वॉइस सुनने में कैसा लगता है, आप लोग जरूर कमेंट कर देना क्वालिटी कैसा है। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, क्यों लगा। देख सकते हैं ये चार्ज है, चार्ज ही हो कि विलेज चार्ज 35 बहुत खूबसूरत। और आगे चलते हैं,
देखिए छोटे छोटे करते हैं। आजकल का क्या बोला पते लोग भी स्कूटी लेकर निकल जाता है आजकल, उनको देना नहीं चाहिए। पहले स्कूल पढ़ाई करने के बाद स्कूटी लेकर जाना पड़ता, स्कूटी जा पाते थे। ऐसे देखिए नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। वाह ऑसम, आप लोग जरूर कमेंट करना कैसा लग रहा है आज का व्यू। और गाइस जो कोई भी नए प्लेस है उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा मोटर ब्लॉग फर्स्ट टाइम है। कितना दूर तक जा सकते, देखते हैं कितना दूर तक जा सकेंगे, जा सकेगा। और गाड़ी में तो तेल भी उतना नहीं है, चलते हैं और देखते हैं। मुझे पता नहीं कैसा मोटर ब्लॉगिंग हो रहा है, मुझे भी पता नहीं। और ये देखिए हुआ व्यू, देखो गाइस बहुत ही खूबसूरत। चले आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। और वॉइस सुनने में कैसा लग रहा है सब लोग कमेंट करते ना, पता नहीं नॉइज़ भी आ रहा है नहीं क्या। नॉइज़ पाने से तो आप लोग इग्नोर कर देना, लेकिन वीडियो को फुल वॉच कर देना, ठीक है। तो आपका भाई तो आज मोटर ब्लॉगिंग कर रहा है फर्स्ट टाइम ना, इसलिए सेटअप तो आप लोगों ने देख लिया है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो ये सेटअप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अमेजोन से आप ला सकते हैं ऑर्डर करके। सर्विसिंग सेंटर नया खुला है, देखिए अभी ट्रेन आने वाला है, क्रॉसिंग एयरपोर्ट पर अभी थोड़ा रुकना होगा, जैसे रुकना होगा। और ये रंगापार क्रॉसिंग देख सकते हो गाइस,
से गाड़ी जाम लग जाएगी। और देखते हैं कहाँ से निकलेंगे। ये देख सकते हैं ये धानचूरी ब्रिज है, धानचूरी ब्रिज देखिए। और वहाँ पर जैसे धानचूरी ब्रिज है देखिए, सूख गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या नज़ारा है। भी आया कोई भी फिशिंग करता है गाइस। कम किया गाइस, चलिए देखते हैं। जीओसी देख कितना कुछ दिया देखिए, अच्छा है, नजदीक में खुला है, पहला बनी था अभी तो खुल गया जीओसी। रास्ता मिले ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आपको टोयोटा गाड़ी का कंपनी देखने को मिलेगा, वो गुस्सा टोयोटा। कैसे अभी देख सकते हैं धूप मोहर का डिजिटल पार्क, जो डिजिटल पार्क है इसका भी मैं ब्लॉग बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा क्या था। और आपको सामने तरफ
जो दिखा दे रहा है बोर्ड में जो नेचर टास्क रेस्टोरेंट, इसका भी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, तो इसका भी मैं लिंक दे दूँगा। ये यहाँ से जो जाने के लिए रास्ता हुई है, इसका भी मैं लिंक दे दूँगा। तो ब्लॉग पढ़ता भी मस्त मिल जाएगा आप लोग, आप लोग अरे मैं पहली बार मैं मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। लंबा हो गया ये ब्लॉग, मतलब ब्लॉग जा रहा है जा रहा है, गाड़ी में तेल भी कम थी, चलिए चलते आगे में। और ये गाइस ये है सिंगरी जाम रोड, देख सकते हैं सिंगरी जाम रोड यहाँ पे स्टूडेंट का है, वो सेम का है शुक्रिया सिंह। सुबह है सिंगरी जाम रोड, अभी मिल जाते हैं गाइस। एक फुटबॉल ग्राउंड है या फिर फुटबॉल गेम है, कैसा आ रहा है कैमरा मैन जो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मोटर ब्लॉगिंग। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है, कहाँ कहाँ से, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। हरियाली हरियाली दिख रही है, पूरा ग्रीन ग्रीन कैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत ना। तो चलिए आगे चलते हैं।
सीजन है ना गाइस, अभी धान का सीजन है, देख लेते हैं धान का सीजन। और यहाँ पे एक बागान देख सकते हैं, से पीपल का पेड़ देखिए बहुत ही खूबसूरत है। गर्मी के मौसम में तो आपका बैठने से एयर कंडीशन में ना आपका ठंडा ठंडा हवा लगे। चलो भी मास्क पकड़ने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए व्यू बहुत ही खूबसूरत, देखिए पहाड़ दिख रहा है आपको देखने को मिलेगा, देखिए दो साइड में ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं, देखिए दो साइड में ग्रीन ग्रीन है, इधर धान का पेड़ देख सकते हैं और यहाँ पे मछली भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पे दो साइड में पानी जाने का रास्ता भी देखिए और यह भी मिलेगा। तो यहाँ तक है मेरा वीडियो, ठीक है गाइस। तो ये देखो मस्त दिन ना, चलो ठीक है। तो मछली पकड़ा देखा इतना अच्छा है, देखिए मछली पकड़ने का जगह बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस आज का ही मेरा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, ठीक है। अगर आप लोगों को आज का मेरा मोटो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, इससे भी अच्छा मैं ब्लॉगिंग करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। मोटो ब्लॉगिंग ना तो मेरा आज का मैं सेटअप कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना। तो गाइस आज का मेरा मोटो ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना, और मेरा सेटअप कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। और देखिए पूरा हरियाली हरियाली आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा हरियाली हरियाली, देखिए चारों देखिए बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे तो मछली भी कभी कभी यहाँ पे मछली देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना कैसा लगा आज का मेरा मोटो ब्लॉगिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।